आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल की समाप्त। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। नैब हुकाम मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। नैब टीम सख्त सिक्योरिटी हिसार में। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत लेकर आई। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुन सरापा एहतजाज। शेर आया के नारे। पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल। मतवालों की ठुड्डे मारकर बैरियर्स तोड़ने की कोशिश। हमजा शहबाज भी अदालत पहुंच गए। वकला के साथ मुशावरत। कारकुनों को एहतसाब अदालत में जाने से रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस रेंजर्स एंटी राइड फोर्स के दस्ते तैनात। एहतसाब अदालत को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील। एमयू कॉलेज सेक्रेटेरिएट चौक और लॉयड मॉल ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब यूनिवर्सिटी की 305 के नाल राजी। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए एलडीए को देने का मामला। शहबाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने के लिए चेयरमैन नैब को खत। कानून के तहत तालीमी इदारे की अराजी तरक्याती मंसूबों के लिए नहीं दी जा सकती। खत का मतन। पैरागॉन स्कैंडल। कैसर अमीन बट ने सब कुछ बता दिया। ख्वाजा साद रफीक से दोस्ती थी, उसने नदीम जिया से मिलवाया। बेनामी कंपनी बनाकर उसके तहत जमीन खरीदी गई। नदीम जिया ने एक साल बाद बताया, हमने पैरागॉन के लिए जमीन खरीदी है। नैब ने नोटिस भेजा तो नदीम जिया ने कहा, आप बाहर चले जाएं। वादा मुआफ गवाह। कैसर अमीन बट के तहला का केस। इंकशाफात सिर्फ लाहौर न्यूज पर। वजीर आजम के बाद वजीर आला शिकायत सेल का कायम। हर शहरी अपनी शिकायत का इंदराज करा सकेगा। वजीर आला उस्मान बुजदार आज ऐवान वजीर आला में शिकायत सेल का इफ्तिताह करेंगे। मोटरसाइकिल रेस ने एक और जान निगल ली। कलमा चौक अंडरपास में दो मोटरसाइकिलों में रेस लगाते हुए हादसा पेश आया। हादसे में एक नौजवान जाम भाग, दूसरा फरार। मरने वाले की उम्र 20 साल के करीब है। दो सवारियां, दो हेलमेट, दो साइड मिरर लाजिम है। 1 दिसंबर से मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद पर हेलमेट की पाबंदी लाजमी करार। बाइक चलाने वाले के लिए हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म सुना दिया। जस्टिस अकबर कुरैशी ने चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को अहकाम जारी कर दिए। सीटीओ की अमल दरामद की यकीन दहानी। हजूरी बाग में वजीर आला पंजाब की जानिब से भारतीय मेहमानों के एजाज में इशाया। मेहमानों की लाहौरी खाबों से तवाजो। गवर्नर पंजाब फवाद चौधरी समेत दीगर सूबाई वुजरा और सेक्रेटरीज की शिरकत। वजीर आला पंजाब बोले, सिख यात्री जब भी आएंगे पाकिस्तान से अमन का पैगाम लेकर जाएंगे। हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। और खुश्क मौसम में हर सू गले दाऊदी की खुशबू। जलानी पाक में रंगारंग फूलों का मेला सज गया। कुदरत की रंगीनियां देखकर लोग मसरूर होने लगे।